तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केजीएफ मूवी के बारे में नहीं बल्कि उनके एक्टर रॉकिंग स्टार यश के बारे में। तो दोस्तों, इस पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, रॉकिंग स्टार यश का जन्म 8 जनवरी 1986 में भारत के एक राज्य कर्नाटका में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको उनका इंट्रोडक्शन वैसे बताने की जरूरत तो नहीं है कि आप रॉकिंग स्टार यश को तो जानते हो। अगर आपने केजीएफ मूवी नहीं देखी है, वैसे तो आज आप देखी होगी क्योंकि आज इंडिया में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बाकी दूसरे देशों में भी लोग यश को जानने लगे हैं और जानते ही हैं, क्योंकि जिस तरीके की मूवी है इंडिया में पहली बार बनी है, पहली बार इस तरीके की मूवी कभी देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों, इस पर मैं बता दूं आपको, रॉकिंग स्टार यश के पिता का नाम अरुण कुमार और माता का नाम पुष्पा है। साथ ही आपको बता दूं उनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम नंदिनी है। और दोस्तों आपको बता दूं उनका पूरा नाम जो है वो नवीन कुमार गौड़ा है, और जिस तरीके जो कि कई लोगों ने अभी तक सुना भी नहीं होगा, उन्हें पता भी नहीं होगा, जो कि यश के नाम से ही ज़्यादातर लोग उनको जानते हैं। पहले तो लोग ज़्यादा जानते भी नहीं थे, जो कि केजीएफ मूवी के बाद तो आप उन्हें कौन ही नहीं जानता, उनको वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है। यश के नाम से तो ज़्यादातर पूरे हिंदुस्तान में ही हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं। और साथ ही बात करें दोस्तों उनकी एजुकेशन के बारे में, जो पढ़ाई के बारे में, तो दोस्तों इस पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो उनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा है पढ़ाई में, और जिन लोगों की उनका मन भी नहीं था, उनका बचपन से में ही समझ आ गया था कि उन्हें एक्टिंग में ही जाना है, और उनको एक एक्टिंग उनका एक पैशन था कि जिस तरीके से लोगों को बैठ में जाता है कि मुझे ये करना है, लोगों को पहले ही पता चल जाता है, जिन जो बच्चे की होते हैं और जो बालक की एज में ही होते हैं उनको समझ आ जाता है कि उनको क्या करना है। तो उनको पहले ही समझ आ गया था कि उन्हें एक्टिंग में ही जाना है, जिस तरीके की वैसे भी उनको एक्टिंग देखकर लगता है कि अच्छा ही हुआ कि हमें भी एक एक्टर ऐसा देखने को मिल गया। दोस्तों आपको बता दूं, उन्होंने अपने फादर से ये भी बोल दिया था, जो कि 10th के बाद उन्होंने बोल दिया था कि उनको पढ़ाई नहीं करनी, उनको एक्टिंग में जाना है। तो उनके फादर ने उनको समझाया, अगर तुम्हें एक्टिंग में जाना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर पढ़ाई का भी एक महत्व है, अगर तुम एक्टिंग में जाओगे सामने वाले से बात करने के लिए भी पढ़ाई का एक तरीके से कहते हैं बहुत महत्व होता है, किस तरीके से आप जाके सामने वाले से बात कर रहे हो तो वो भी होता है। तो उसको अपने फादर की बात को मानते हुए, अपने पिता की बात को मानते हुए उन्होंने पढ़ाई जो है माजना एजुकेशन सोसाइटी से पूरी कंप्लीट करने के बाद वो एक्टिंग में एक तरीके से चले गए पूरे। तो उन्होंने वहाँ जाके बेनकर नाटक मंडली ज्वाइन कर ली, और वहाँ पे जाके उन्होंने एक्टिंग को और भी, जैसे वैसे तो उन्होंने काफ़ी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, काफ़ी एक्टिंग वो मतलब लोगों को एक तरीके से मनोरंजन करते रहते थे, और वहाँ पे जाके उन्होंने और भी एक्टिंग सीखी, क्लास ली वहाँ पे जाके किस तरीके से एक्टिंग जो है वो की जाती है, किस तरीके से रहता है, क्या बोलना होता है, किस तरीके इंप्रेशन देना होता है, किस तरीके से चेहरे पर एक्सप्रेशन दिखाना पड़ता है कि कौन सा रोल आपको करने को मिल रहा है, तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने वहाँ से सीखी। तो उनकी इस एक्टिंग को देखते हुए उनको जल्दी ये टीवी सीरियल में रोल भी मिल गया, और जाके उन्होंने नंदा गोकुला नाम के जो पहला जो सीरियल था उसमें उन्होंने काम किया। तो उसकी जो एक्टिंग जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर की थी, और उस एक्टिंग को देखते हुए उन्हें एक पे एक सीरियल में काम करने का मौका मिला, और उन्होंने काफ़ी अच्छे सीरियल भी दिए, काफ़ी टाइम तक उन्होंने सीरियल में काम भी किया। और उसके बाद 2007 में उनको पहली मूवी में एक ऑफर मिला, तो वहाँ पर जाके जो उनकी एक्टिंग थी, उन्होंने उनकी काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग रही उस मूवी में, और उसके बाद उनके पास कई ऑफर आना चालू हो गए, तो उनकी उसके बाद एक के बाद एक मूवी उन्हें मिलती चली गई, और काफ़ी हिट मूवी भी ऐसी भी रही हैं जो कि साउथ मूवी में पहले नंबर पर, और अवार्ड भी ले चुके हैं वो कई बार, जो कि पहले नंबर पे मूवी कमाई करने में, जो कि कह सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने उस मूवी ने कमाई की, जो कि साल के टॉप मूवी पे रही थी, ऐसी भी कई मूवी हैं उन्होंने दी हैं। तो इस तरीके से उनका जो दौर है वो चलता गया, और 2016 में आके उन्होंने राधिका पंडित नाम की लड़की से एक शादी कर ली, और शादी आपको बता दूँ उनके दो बच्चे भी हैं, और फिर उसके बाद दौर आता गया, उसके बाद चलता गया सारा, तो उनकी उसके बाद उनकी मूवी आई KGF Chapter 1। उसके बाद दोस्तों आपको उन्हें देखा ही होगा, उसके बाद तो पूरे हिंदुस्तान में लोग उनको जानने लगे थे KGF Chapter 1 के बाद। फिर साथ ही दोस्तों KGF Chapter 1 के आने के बाद ये लोगों को लगने लगा कि KGF Chapter 2 कब आएगा, उसके साथ इंतजार चलता गया, जो कि 2022 में आके ख़त्म हुआ, जो कि KGF Chapter 2 आई। उसके बाद तो हिंदुस्तान में ही क्या, पूरे वर्ल्ड में ही लोग उनको जानने लग गए हैं। अब तो बस हर किसी के जुबान पर बस एक ही नाम है, रॉकिंग स्टार यश का। तो दोस्तों ये थी रॉकिंग स्टार यश की कहानी, जो कि अभी तक की थी, और जो कि एक जिनके फादर जो थे वो आपको साथ ही बता दूँ, जो कि एक बस ड्राइवर थे, बस ड्राइवर होने के बावजूद भी
उन्होंने अपने जो बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना सब कुछ उनको सपोर्ट किया, जिसके चलते वो यहाँ तक पहुँचे और आज ऐसा दिन आ गया है कि उनको उनके बेटे को जो है सब जान रहे हैं। और हो ना, वो कई लोग ये भी जानते हैं कि ये आप कई लोग ये भी बोलते होंगे कि अब ये देखो ये जा रहे हैं रॉकिंग स्टार यश जो हैं उनके फादर जा रहे हैं, तो उनको काफ़ी सुन के गर्व भी होता होगा। ये ऐसे अगर बात सुनने को मिल जाए तो काफ़ी एक पिता को काफ़ी गर्व भी होता है अपने बेटे पर कि इतना नाम उसने कर दिया है। तो दोस्तों एक बार मन बना लिया जाए बस अपने लोग बच्चों को और सबको अच्छे संस्कार दें, सबको अच्छे से बताएं कि क्या करना है आगे चल के, और कभी भी अगर जिस काम में मन लगता है वही काम करें और जिस काम में मन नहीं है वो काम ना करें। जबरदस्ती करने पर अगर आप अपने आप को करोगे फोर्स करोगे कि भाई ये काम ही करूँगा मैं, भले ही मेरा अपना मन नहीं लग रहा है तब भी आप दूसरा काम कर रहे हो तो वो काम ना करें। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो लाइक और कमेंट करके बताना, और आगे की वीडियो देखने लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। इसी के साथ नमस्कार।